महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है, लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, देखो भर्ती धारी देखिए उनका हालत खराब हो गया। इसलिए इस व्यक्ति से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की व्यक्ति में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार है। आज देख रहा हूँ, आज अनुभव कर रहा हूँ, सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है, आप लोगों से साफ है। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहने मेरे अभिभावक मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा, आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं किसी जिला में रहते हैं एक बात याद रखिए, मिल के रहिया मिल के रहा तब हमने कुछ कह सकते। विनोद बाबू भी होते कहा लगाए कि पढ़ो और लड़ो, विनोद बाबू भी हमेशा कह लगे पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हमने अगर विचारधारा के कभी समझाना है पढ़ो के मतलब तो समझ रहे कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारे में लेना तो गोतनिया गोतनिया से लड़ लो, भेवा भेवा थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। विनोद बाबू नहीं कर रहे, लड़ाई करना हमें अपने अधिकार के खातिर, लड़ाई करना हमें अपन हक के खातिर, तो सह खातिर जितना भी और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए हथिन साथ बहुत सारा महाराष्ट्र के नगर के चुनाव पदाधिकारी हथिन जनप्रतिनिधि हथिन, अपने से हम आग्रह करवाए क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखते हैं। माया का मतलब होता है छल प्रपंच, तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार है, क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित है अतिथि के रूप में, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ हमारे लोग यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं, तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आपके लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं सत्कार करते हैं सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रखते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है, हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं हम लोग सरल स्वभाव के। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हों,
क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं ये आपसे दया आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा से भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है, अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का अभिमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का अभिमान है तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं झारखंड से। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास आए और सुगमता सहजता सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहां जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र से लोग सीखने आए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के SP से सवाल किया था कि SP साहब, डू यू नो मराठे, आपने भी पढ़ा होगा, एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के SP से पूछा था कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर SP से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से आप दिखा के बात करता है, लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, देखो भर्ती धारी देखे तो उनका हालत खराब हो गया। इसलिए इस मिट्टी से लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है, धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेस कीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मिथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमारा सरकार चाहते है जमदिन हमने सरकार में चाहते ना, हमारा पूजा 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान कर दे। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है, लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में लगभग 55,000 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह, लगभग 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और 1 जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी, 12 लाख। समाधान है कि नहीं है, लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हमने ये हम यहाँ आके मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं, अरे भाई ठीक है आप ड्राइविंग करते हैं, तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है, हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमने ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे देंगे, किडनी की जगह गुर्दा ले निकाल लेंगे, हमने थोड़ी कहा, हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए, हमने थोड़ी कहा, हमें जो टैलेंट होगा यदि हम एक
मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग ही करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़के हैं, आप वहाँ उतर दीजिए। कम से कम 200 किलोमीटर का वहाँ दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं चाहिए। तो फिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं, क्योंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे कि इन्होंने, किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है, तब वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूँ तो मैं रोटी की बात करूंगा। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है, और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अब तो आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के 5वें प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलियान पे